हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स आई एम ऑडिबल ओके क्लास स्टार्ट होने जा रही है सभी लोग कनेक्ट हो जाओ जल्दी जल्दी से गुड, ठीक है मतलब हमारी वॉइस क्लियर है सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ आज का जो सेशन है बहुत ही मजेदार और इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी ओके okay? आज के जो टॉपिक है जो ये सेशन है इसमें हम इम्यूनो डिस्कस करेंगे ओके okay? बहुत जनरल तरीके से हम बात करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो कंसाइन रहेगा किस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल दैट इज एंटीबॉडी ओके एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर पे आज हम कंसर्न रहेंगे उसके बेसिक्स के बारे में समझेंगे प्लस सबसे पहले हम एक ओवरव्यू समझते हैं इम्यूनोलॉजी का ओके okay. सो so, सबसे पहले सभी लोग ऐड हो जाओ हेलो हेलो सोनाली वेरी गुड इवनिंग ओके सारे स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाओ क्योंकि आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है इम्यूनिटी इम्यूनिटी शब्द इस समय बहुत ही ज़्यादा पॉपअप हो रहा है ना इम्यूनिटी इम्यूनिटी हमको अपनी बढ़ा के रखनी है है ना बिकॉज इन दिस पेंडेमिक बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और वही सर्वाइव कर पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपको इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करके रखनी होगी ठीक है मेडिसंस बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं प्लस योर फिजिकल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इम्यूनिटी टर्म जो है इम्यूनिटी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के इसी टॉपिक से रिलेटेड है हम इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे ओके वेरी गुड इवनिंग ओके यशी जयसवाल वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर ओके ठीक है सर स्टार्ट करते हैं ओके okay, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज इम्यूनोलॉजी हा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है वाट इज इम्यूनोलॉजी इम्यूनोलॉजी क्या होता है है ना तो हम यहाँ पे आ, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे टर्मिनोलॉजीज के साथ और टॉपिक जो मैंने जैसा कि बताया कि एंटीबॉडी आज रहेगा है ना एंटीबॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे उसके स्ट्रक्चर्स लाइक ओके उसका स्ट्रक्चर हमको पता है वो एक ग्लाइको प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है ना तो उसके ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट पार्ट और प्रोटीन मीन्स प्रोटीन पार्ट उसको डिस्कस करेंगे ठीक है Uh, मैं सबके कमेंट्स रीड करता जाऊंगा एक छोटा सा कंपोनेंट पढ़ाने के बाद सबके uh, जो भी डाउट है या जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं सबको डिस्कस करूंगा वेरी गुड इवनिंग ओके तो इम्यूनोलॉजी सिंपल मैं अगर एक लाइन में बोलना चाहूँ कि इम्यूनोलॉजी क्या है वाट इज इम्यूनोलॉजी तो इट इज स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम हाँ इट इज स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम हा इम्यून सिस्टम की स्टडी है ना हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है ओके okay, वो सिस्टम जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हा? और अभी मैं आता हूं इम्यूनिटी टर्म पे तो वो सिस्टम जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है दैट इज इम्यून सिस्टम और बहुत इजी तरीके से हम बोल सकते हैं कि सिस्टम प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी है ना सिस्टम प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी वो सिस्टम जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है इम्यूनिटी को बहुत ही छोटे और कंसाइज वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो हम ऐसे बोल सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी की एबिलिटी जो डिसीज को ब्लॉक कर सकती है मतलब डिसीज होने से जो रोक रही है रोग से लड़ने की जो हमारे अंदर की क्षमता है है ना द पावर ऑफ द सिस्टम पावर ऑफ द बॉडी दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सटर्नल डिसीज हा ओकेट प्रोटेक्ट फ्राम डिसीज इम्यूनिटी ओके आवर बॉडी हमारी बॉडी की क्या है वो इम्यूनिटी है रोग प्रतिरोधक क्षमता है है ना और वो सिस्टम जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है दैट इज इम्यून सिस्टम एंड स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज इम्यूनोलॉजी लॉजी टर्म सिंपल सा मतलब होता है स्टडी ऑफ ओके, बहुत सी जगह आपने टर्म सुना होगा, सुना होगा होगा सफिक्स कि लॉजी है ना पैरासाइटोलॉजी एंड मल्टीपल टाइम ये लॉजी टर्म सुना होगा ओके सो इम्यूनोलॉजी इज जस्ट स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम व्हाट इज इम्यून सिस्टम सिस्टम प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी व्हाट इज इम्यूनिटी इम्यूनिटी क्या है? रोग से लड़ने की क्षमता जो हमारी बॉडी के है ना ओके okay. आज के सेशन में मैं कुछ क्वेश्चंस भी रखूंगा बहुत इंटरेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जिससे आपको बहुत इजी लगे ठीक है आपके माइंड में भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आई एम हेयर आप क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं इस टॉपिक से रिगार्डिंग ओके ठीक है ना no. ओके okay. तो इस सिस्टम का एक कंपोनेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज एंटीबॉडी है ना आपने सुना होगा एंटीबॉडी मैं इस लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस नहीं करूंगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेक्टिव है और मैंने टारगेट किया है एंटीबॉडी को जब हम इस चैप्टर के इस टॉपिक के इस सेशन के एंड में जब पहुंचेंगे तब हम डिस्कस करेंगे ऑल ओवर हमको इम्यूनो में क्या पढ़, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, है ना ओके सो एंटीबॉडी एंटीबॉडी का एक अल्टरनेट टर्म है जिसको हम एंटीबॉडी और अल्टरनेट टर्म इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं आई डबल एम म्यूनोग्लोबिलस है ना इम्यूनोग्लोबिलिन ओके इम्यूनोग्लोबिलिन इसका एक एग्रीवेटेड फॉर्म है आई जी आई जी अगर हम कहीं भी रिप्रेजेंट करें दैट इज मीनिंग ऑफ इम्यूनोग्लोबिलिन और एंटीबॉडी दोनों का मीनिंग सेम है ओके एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिल्स ठीक है अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एंटीबॉडी ओके तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे ओके okay, बिल्कुल हम एक लेवल पे आने वाले हैं मोस्ट वेलकम आप बने रहिए और देखते रहिए जरूर हम एक लेवल पे आने वाले हैं बिकॉज अगर मैं डायरेक्ट लेवल पे आ जाऊंगा ना तो जो छोटे नीचे वाले लेवल है ना वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी फिर आप बोलोगे कि बेसिक्स पढ़ाओ सो नो डाउट हम एक लेवल पे आने वाले हैं अभी धीरे धीरे ठीक है टॉपिक जैसे आगे बढ़ेगा हम एक अच्छी डिस्कशन करने वाले हैं ठीक है आपकी कोई भी क्वेरी हो आप आ, पोस्ट करो आई एम हेयर टू आंसर ऑल ओके ठीक है ओके okay, सो so, अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज एंटीबॉडी व्हाट इज एंटीबॉडी तो आपका रिप्लाई ये होगा एंटीबॉडी इज वाई सेप ग्लाइकोप्रोटीन हाँ एंटीबॉडी का रिप्लाई क्या होगा कि ये एक वाई सेप ग्लाइकोप्रोटीन है है ना ये क्या है वाई सेप ग्लाइकोप्रोटीन है ओके okay. आप सबने एक एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को देखा होगा एक वाई सेफ ग्लाइको प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होता है है ना बट यहां पे मेरा क्वेश्चन है कि इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर इज करेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाई सेफ ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर इज करेक्ट अगर हमको एंटीबॉडी को एक्सप्लेन करना होता है तो हम क्या बोलेंगे कि एंटीबॉडीज आर वाई शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन है ना ओके okay. तो जैसा कि आप देख रहे हो ये तीनों स्ट्रेक्चर मैंने वाई सेप्ड बनाया हुआ है विच वन इज करेक्ट ओके मैं आंसर का वेट कर रहा हूं ओके okay. शिवम ने आंसर किया है बी गुड शिवम अभी हम डिस्कस करते हैं इस पर सभी लोगों के वेट करते हैं एंटीबॉडी इज द प्रोटीन दैट फॉर्म अगेंस्ट एंटीजन ओके गुड ठीक है ये आंसर भी सपोर्टिव है गुड ओके वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस ने आंसर दिया है वन ओके गुड बहुत ही अच्छे अच्छा लगता है जब आप रिप्लाई करते हो बिकॉज ये सेशन आपको इंटरेक्टिव लगेगा ठीक है चलो कुछ लोगों का रिप्लाई आ रहा है कि पहला स्टेट पहला वाला स्ट्रक्चर ए स्ट्रक्चर या हम बोल सकते हैं कि वन ये सही है ये सही है या ये सही है ठीक है तो रिप्लाई आ रहे हैं सबके बहुत ही अच्छी बात है हाँ वन 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 पे आ रहा है स्ट्रक्चर क्योंकि जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये क्या एक वाइसेप स्ट्रक्चर है ना तो सबको ये वाई रहा है है ना सबको ये वाई सेप दिख है ओके सारी की सारी ग्लाइको हैं नो डाउट तो आप ये कैसे बता रहे हो कि ए और बी और सी कैसे सही है देखो ऑल द स्ट्रक्चर आर करेक्ट ठीक है इसका आंसर तीनों ही सही है ऑल ऑफ द आंसर आएगा ओके बिकॉज रीजन ये क्या है ग्लाइको है ठीक है ये इसके जो स्ट्रक्चर इस होते हैं यहां पर बीटा बीटासीड प्रेजेंट होती है तो आप वहां पे ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि ये जो लाइट चेन है ये जो लाइट चेन है एकदम अलग है और ये जो हैवी चेन है ये एकदम अलग है ऐसा आप नहीं प्रेजेंट करते और ऐसा आप शो नहीं करते कि ये एक डाइसल्फाइड बॉन्ड से इस तरह जुड़े हुए हैं नहीं

डायग्राम uh, जो भी यहाँ पर प्रेजेंट किए गए तीनों के तीनों सही है ठीक है गुड आई अप्रिसिएट योर ये शिवम ने आंसर दिया है ऑल आ करेक्ट हाँ हाँ गुड गुड ठीक है यही यही बेसिक बेसिक चीज़ें हमको समझनी है ठीक है ऐसे ही हम अभी टॉपिक पे आएंगे और आपको बहुत ही इंटरेक्टिव चीज़ें सीखने को मिलेंगी ठीक है चलो आगे कंटिन्यू करें जैसा कि मैंने यहां पे बताया दिस इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट दिस आर वाइस ऑफ ग्लाइको प्रोटीन तो यहां पे एक ग्लाइको ग्लाइकोमीन्स कार्बोहाइड्रेट पार्ट होगा और एक प्रोटीन पार्ट होगा है ना देखो ग्लाइको प्रोटीन होते हैं कुछ कुछ होते हैं प्रोटीओग्लाइकेन दोनों में अंतर सिंपल सा इतना है ये याद रखना है प्रोटीन अगर पीछे रहा है ना ग्लाइको प्रोटीन तो प्रोटीन पार्ट ज्यादा होगा प्रोटीओग्लाइकेन होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट ज्यादा होगा सही है ग्लाइको प्रोटीन में प्रोटीन पार्ट ज्यादा होगा अगर प्रोटियोग्लाइकेन है तो उसमें ग्लाइकेन कार्बोहाइड्रेट पार्ट ज्यादा होगा ओके okay. ठीक है तो अभी हम किस पे डिस्कस करेंगे इसके प्रोटीन वाले पार्ट पे है ना इसके हम प्रोटीन वाले पार्ट पे डिस्कस करते हैं ओके okay. इसको नेक्स्ट पेज हम ऐड करते हैं ठीक है ओके okay. ठीक है सो एज आई टोल्ड यू कि एंटीबॉडी आर वाई सेव ग्लाइको प्रोटीन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज

ओके अल्फा एलेक्स बीटा वो क्या है हमारे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड रोल प्ले करने लगती है एक पर्टिकुलर उसको प्रोवाइड करने लगेगा दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर में हमको डोमेन मिलते हैं है ना अभी डोमेन पे भी थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे कि डोमेन क्या होते हैं और फिर क्वार्टररी स्ट्रक्चर आते हैं ठीक है ठीके? तो ये जो स्ट्रक्चर सामने बना हुआ है ये जो एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें इधर एन टर्मिनल है ये हमारे पास एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है तो ये प्रोटीन के किस स्ट्रक्चर को प्रेजेंट कर रहा है जल्दी से अप्लाई करो कि यह प्रोटीन के किस स्ट्रक्चर को शो कर रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वार्टनरी कौन सा आंसर इसका सही होगा आ, सोनाली का आंसर आया है टर्सरी ओके गुड सभी लोग रिप्लाई करो क्योंकि आपको इंटरेक्टिव लगेगा फिर है ना तब चीजें समझ में आएंगी जब तक आप आ, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ रिप्लाई नहीं करोगे तब तक सीख भी नहीं पाओगे है ना ठीक है रिप्लाई करो जो भी आपको आता है ओके okay. देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे ही ट्रांसलेशन परफॉर्म हो रहा था है, उस समय क्या है पेप्टाइड बॉन्ड मिलती है है ना पेप्टाइड बॉन्ड मेनली उसमें प्रेजेंट होंगे जैसे ही राइबोसोम से निकल के प्रोटीन बाहर आती है है ना ट्रांसलेशन जब होता है तो वो पेप्टाइड स्ट्रक्चर खुशी थ्री सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्सरी गुड अभी हम डिस्कस करते हैं इसका फाइनल आंसर क्या होगा सेकेंडरी uh, स्ट्रक्चर में आप क्या दे, क्या देखते हो अल्फा एलेक्स और बीटा शीट है ना और बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं मेरा ये मतलब नहीं है कि यहां पे अल्फा एलेक्स या बीटा शीट ही होंगे ओके टर्सरी स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलता है डोमेन मिलते हैं ना तो मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चर स्टूडेंट है उनका जो टर्सरी आंसर आ रहा है वो इसीलिए कि आपने पढ़ रखा है कि इसमें डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं है ना ऐसा ही है क्या ओके okay, एक स्टूडेंट का है क्वार्टनरी गुड ठीक है बहुत अच्छी बात है ठीक है तो टर्सरी स्ट्रक्चर का रिप्लाई इस बेसिस पे भी आ रहा होगा कि हमने पढ़े हुए हैं इसमें है तो सी टाइप है ना ओके तो गुड तो, तो, okay, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फर्दर क्लास में okay. आप टर्सरी इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि इसमें डोमेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं देखो डोमेन का क्या कंसेप्ट होता है दे आर इंडिपेंडेंटली फोल्डेड स्ट्रक्चर है ना फंक्शनल इसका फंक्शन अलग होगा ये पट अलग काम कर रहा है एक ये अलग कोई रोल फंक्शन प्ले करेगा ठीक है तो ये डोमेन स्ट्रक्चर होता रिप्रेजेंट है. करते हैं देखो अब रिप्लाई आपका आ जाएगा क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है मोर देन मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में क्या है

ओके okay, आंसर क्या होगा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कि ये जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड है होल ये एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि यहां पे मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व है है ना सही है गुड वेरी गुड यस जी जसवाल गुड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ठीक है जहां पे भी कोई भी प्रॉब्लम लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पॉलीपेप्टाइड मोर देन 1 का क्या मतलब है यहां पे ये स्ट्रक्चर क्यों है आप uh, कमेंट कीजिए मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा अगेन ओके क्लियर है ना यहां तक चीजें क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है इसमें जो इंडिपेंडेंट जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें कौन सा प्रीडोमिनेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन है कि एक पर्टिकुलर जैसे मैंने बताया कि ये चार पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना हुआ है ना इसमें फोर पॉलीपेप्टाइड चेन है इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन में एक इंडिविजुअल जैसे ये हम इसको एक जो छोटी वाली इसको लाइट चेन बोलते हैं और ये बड़ी वाली क्या हैवी चेन है है ना इस क्वेश्चन के बाद इसके स्ट्रक्चर को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा ओके okay? तो अगर मैं लाइट चेन की बात करूं या हैवी चेन की बात करूं तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में इसमें कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रीडोमिनेंट होता है आपके पास चलो दो ऑप्शन है अल्फा अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट ये आ, हायर एग्जाम्स में क्वेश्चन बन के आता है विच ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ओके विच ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज प्रीडोमिनेंट इन एंटीबॉडी स्ट्रक्चर जल्दी से रिप्लाई करो कि एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में प्रीडोमिनेंट कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट अल्फा हेलेक्स या शीट। गुड देखो यहां पे क्या होता है याद रखना एंटीबॉडीज आर प्रीडोमिनेंट बीटा शीट स्ट्रक्चर और की क्लास में आपको बहुत डिटेल में बताया जाएगा अल्फा एलिक्स और रेंडम और बीटा स्ट्रक्चर के बारे में ठीक है ओके थ्री डोमेन्स आर अल्फा हेलिक्स एंड वन डोमेन इज बीटा शीट ओके अभी हम इसको डिस्कस करेंगे ठीक है अगर आपसे बोला जाए तो वैसे ये आंसर इसका आता है ठीक है मल्टीपल एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है एज इट इज क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री डोमिनेंट सेकेंडरी फॉर्म प्रेजेंट इन एंटीबॉडी स्ट्रक्चर सो वहां पे प्री डोमिनेंट वीटा सीट मिलते हैं बीटा सीट कैसे होते हैं चलो मैं यहीं पे बताता हूँ एक चीज कि जो आई डोमेन होता है आईजी डोमेन का स्ट्रक्चर ही पूरा का पूरा बीटा शीट जैसा होता है उसमें दो लेयर होती हैं बीटा शीट की एक ये लेयर और एक ये लेयर ठीक है दो सीट होती हैं और इंडिविजुअल सीट में मोर देन फोर या फोर टू फाइव स्ट्रेंड होते हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ओके okay, जो आईजी डोमेन होता है और वो लिंक्ड होता है किससे डाइसल्फाइड बॉन्ड से आई होप आप यहां पे नई नई चीजें पढ़ रहे होंगे ठीक है अगर कहीं पे भी आपको क्वेश्चन मार्क लग रहा है ठीक है आप कमेंट कीजिए मैं उसको डिस्कस करूंगा ओके यस यसवाल बीटा एग्जैक्टली बीटा शीट गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है बीटा सीट स्ट्रक्चर बीटा सीट स्ट्रक्चर का भी मैं आगे जब आईजी डोमेन क्लियर करूंगा जब मैं आईजी डोमेन डिस्कस करूंगा वहां पे मैं बताऊंगा इसको ओके ठीक है तो देखो आप ऐसा नहीं है कि यहां पे नोट्स नहीं बना सकते चीजें माइंड में भी रख सकते हो और एक पैटर्न में आप नोट्स भी क्रिएट कर सकते हो अपने खुद के तो मैं पॉइंट्स वाइज चलूंगा ठीक है आपको एट द एंड ऑफ सेशन आपको पता रहेगा कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि क्योंकि क्लास जब खत्म हो जाएगी और फिर अगर इन बाद में भी पूछते हैं कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है ठीक है व्हाट इज एंटीबॉडी है ना तो आप रिप्लाई कर पाओगे इंस्टेंट क्योंकि आपके माइंड में है कि वाइसेप ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं दे आर अप ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चेन दे आर अप ऑफ अप ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें से टू आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल लाइट चेन होती हैं एंड टू आइडेंटिकल हैवी चेन क्लियर है यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो है मार्क दिस टर्म आइडेंटिकल ओके तो अभी हमने क्या डिस्कस किया हमने यहां पे देखा कि एंटीबॉडी चार पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी हुई है जिसमें से दो आइडेंटिकल एक जैसी आई एम नॉट सेइंग सिमिलर दे आर आइडेंटिकल ओके टू आइडेंटिकल लाइट चेन एंड टू आइडेंटिकल हैवी चेन ओके ठीक है तो यही हमने चीज देखी यहां पे है ना कि यहां पे हमने क्या देखा कि ये दिस वन एंड दिस वन ये क्या है लाइट चेन है है ना लाइट चेन एंटीबॉडी के अभी हम जनरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और एंटीबॉडी को मैं बहुत डिटेल में कवर करने वाला हूं ठीक है बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने के लिए एक जनरल स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का इसमें बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए ओके और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं जितने भी एम बेसिस के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहाँ पर कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं ठीक है और बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इम्यूनो की एक मैंने जो चीज ऑब्जर्व की या तो एक लेवल होगा इम्यूनो के क्वेश्चन करने का ठीक है मतलब बहुत ही हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे ठीक है जिनको सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा जब तक आपको पूरा कंसेप्ट नहीं पता तब तक आप रिप्लाई भी नहीं कर सकते है, है ना जैसे ग्राफ्ट रिजेक्शन वाले केस आते हैं ठीक है जैसे बी सेल और टी सेल के इंट्रैक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जब तक आपको इम्यूनो के बेसिक्स नहीं पता होंगे तब तक आप उनको कर नहीं पाओगे या तो ऑन दूसरे एंड पे एकदम लो लेवल के आएंगे कि कौन सी एंटीबॉडी ब्लड में ज्यादा होती है है ना कौन सी एंटीबॉडी आपको मदर के मिल्क में कोलेस्ट्रॉम में प्रेजेंट मिलती है है ना तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है नॉलेज तो की नॉलेज लेनी है पूरे टॉपिक की है ना डिटेल में जाके अगर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ठीक है तो हमने क्या देखा अभी कि यहां पे टू आइडेंटिकल लाइट चेन है और टू आइडेंटिकल हैवी चेन है ठीक है ओके टू वर्ड एंड टर्मिनल नेक्स्ट स्टेटमेंट ओके नेक्स्ट स्टेटमेंट टू वर्ड एंड टर्मिनल देखो कोई भी प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा ठीक है उसमें एक एंड टर्मिनल होगा उसका अमीनो टर्मिनल और एक सी टर्मिनल होगा कार्बोक्सी टर्मिनल है ना एन एंड सी टर्मिनल तो यही मैं बताना चाह रहा हूं यहां पे टूवर्ड एंड टर्मिनल वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होता है वेरिएबल रीजन इज प्रेजेंट ठीक है एन टर्मिनल की तरफ एक एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में एन टर्मिनल की तरफ ये एन टर्मिनल है एन टर्मिनल की तरफ वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होता है वेरिएबल रीजन ओके एंड टूवर्ड सी टर्मिनल कांस्टेंट रीजन टुवर्ड सी टर्मिनल कांस्टेंट रीजन ठीक है गुड आ रहा है समझ में कि ये पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी हुई है अब हमने पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर के इसके डीप में जाना स्टार्ट किया कि एंड टर्मिनल की तरफ यहां एक वेरिएबल रीजन होता है अब हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि वेरिएबल वेरिएबल रीजन को हम क्यू कहते हैं है ना तो अभी यही मेरा सवाल होगा आपसे नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो है आपसे कि वेरिएबल रीजन को हम वेरिएबल क्यों कहते हैं वाई बी कॉल्ड वेरिएबल हम इसको वेरिएबल क्यों कह रहे हैं कि जैसे ये एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है ठीक है इधर की तरफ हमारे पास एन टर्मिनल है ठीक है टुवर्ड एंड टर्मिनल ऊपर की तरफ यहां पे हमारे पास वेरिएबल रीजन है ओके okay, अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को इस हैवी चेन वाले स्ट्रक्चर को चलो ले लो इस हैवी चेन वाले स्ट्रक्चर को पूरा इस तरह बनाओगे तो यहां पे फर्स्ट अमीनो एसिड होगा फर्स्ट और यहां पे इसका 440 फोर्टी एसिड होगा ठीक है अगर ये हैवी चेन है ठीक है अगर ये हैवी चेन है तो हैवी चेन जनरली 440 फोर्टी अमीनो एसिड की बनी हुई होती है कितने की 440 फोर्टी अमीनो एसिड ठीक है 440. इसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है 50 किलो डाल्टन, 50 किलो डाल्टन, ठीक है? इस हैवी के इस इस हैवी चेन के फर्स्ट से लेके 110, 110 तक यहां पे हमारे पास क्या होता है वेरिएबल रीजन और 110 से 440 मतलब रिमेनिंग जो कांस्टेंट थर्टी है यह क्या आते है? में. ठीक है? इसी तरह अगर आप लाइट चेन की बात करोगे तो लाइट चेन का साइज होता है 220 ट्वेंटी अमीनो एसिड का जस्ट हाफ ठीक है और इसके भी 110 रीजन तक क्या होता है वेरिएबल रीजन रिमेनिंग हंड्रेड टेन टेंट रीजन ठीक है वेरी गुड इवनिंग अमित वेरी वेरी गुड इवनिंग ओके वेरिएबल रीजन को हम वेरिएबल क्यों कहते हैं इसका रिप्लाई आया बिकॉज इट इज वेरी वेरी अकॉर्डिंग टू एंटीजन हाँ, कह सकते हैं वेरी क्या करता है वेरिएबल रीजन में वेरी क्या करता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड अभी इसी पे मैं एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं कि वेरिएबल रीजन को कहते है? Okay? आपका बहुत सही दिया है आपने क्योंकि ये करता है, है ना? जबकि कांस्टेंट रीजन में बहुत ज्यादा वेरिएबल नहीं होते है. मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पे वेरिएबल नहीं होतेशन नहीं होते ठीक है मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे होते ही नहीं है कॉन्स्टेंट रीजन में लो होते हैं अभी हम इस पर भी डिस्कस करेंगे ओके okay? तो वेरिएबल रीजन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं वाई वी कॉल इट वेरिएबल रीजन ओके नाउ लुक, एक चीज जो आपको पता होगी अगर आप इम्यूनो पढ़ रहे हैं ठीक है तो आपको आपने जरूर सुना होगा बी सेल है ना बी सेल बी सेल के बारे में जरूर सुना होगा है ना बी सेल जब एक्टिवेट होती है प्रोलिफ्रेट करने के बाद जब वो डिफ्रेंसियट होती है ओके, okay, जब वो डिफ्रेंसिएट होती है ठीक है तो वो किसमें कन्वर्ट होती है प्लाज्मा सेल में है ना प्लाज्मा प्लाज्मा सेल में ठीक है डिफ्रेंसिएट होती है किसमें प्लाज्मा सेल में एंड प्लाज्मा सेल क्या करती है सिक्रीट करती है एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल सिक्रीट एंटीबॉडी इज इट क्लियर प्लाज्मा सेल सिक्रीट एंटीबॉडी ओके सिक्वेंस ऑफ अम्यूनो एसिड यस कुमार यस किस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते डिफर डिफरेंट मिलते हैं हमको different मिलते हैं variable region में यस yes, यही चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी मतलब तो चलो हम इसको क्या बोल रहे हैं ये हमारे पास plasma cell P1. अभी मैं ये भी बताऊंगा देखो सेम भी हो सकता है मैं यहां पर एक चीज और आपको बताने जा रहा हूं कि वेरिएबल रीजन का जो सीक्वेंस है वो सेम भी हो सकता है कब ठीक है अच्छा चलो इसका रिप्लाई दो कब वेरिएबल रीजन सेम हो सकता है एकदम आइडेंटिकल हो सकता है कब यस डिफरेंसिएट होता है प्लाज्मा बी सेल में एंड मेमोरी सेल में एग्जैक्टली नो डाउट यू आर राइट कि यहां पर हमारे पास प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल बनती है यस yes. तो चलो ये एक डिफरेंट बी सेल थी है ना ये एक बी बनती ठीक है चलो पहले इस बात का जवाब दो कि कब कब दो एंटीबॉडी का वेरिएबल रीजन सेम होगा आइडेंटिकल होगा कब आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई कब मेरा क्वेश्चन है कब एंटीबॉडी का वेरिएबल रीजन एकदम सेम होगा कब चलो अभी हम देखते हैं कब मान लो कि ये हमारे पास एक बीवन सेल है ये हमारे पास दूसरी टू सेल है दूसरी सेल है B2 ये B2 सेल ये क्या कर रही है इस ये भी क्या Activate हुई एक्टिवेट हुई एंड डिफ्रेंसिएट होती है प्लाज्मा एंड मेमोरी में वेरी गुड होती है एक्टिवेट एंड डिफ्रेंसिएट है ना किसमें प्लाज्मा सेल में तो ये बी टू है ये भी प्लाज्मा पी टू में डिफ्रेंशिएट हुई सिमिलरली और बी सेल थी ठीक है उसने भी एंटीजन को एनकाउंटर किया हमेशा याद रखना बी सेल सोल्यूबल एंटीजन को एनकाउंटर करती है सोल्यूबल एंटीजन इसका मतलब आपको नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में समझ में आएगा कि बी सेल जो होती है वो सोल्यूबल एंटीजन को एनकाउंटर करती है जबकि टी सेल टी सेल मेम्ब्रेन बाउंड एंटीजन को एनकाउंटर करती है ठीक है ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसका ओके okay, आपको इम्यूनो पढ़ते पढ़ते लाइव दिखेगा कि सेल कैसे इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे से ओके okay, ने रिप्लाई किया है कि व्हेन दे आर नॉट बाउंड विद एंटीजन ओके okay, जब वो एंटीजन से बाइंड नहीं करती हैं तब वो क्या वेरिएबल रीजन सेम होता है उस समय ओके ओके सोनाली चलो अभी देखो देखो अभी मैं जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं इनको एकदम ध्यान से समझना है देखो ये मैंने तीन एंटीबॉडी बनाई ये मैंने तीन एंटीबॉडी बनाई क्लियर है और ये जो तीनों एंटीबॉडी हैं इन तीनों के इन तीनों के अगर हम वेरिएबल रीजन को देखें इन तीनों के अगर हम वेरिएबल रीजन को देखें अगर हम इन तीनों के वेरिएबल रीजन को देखें कि ये फर्स्ट अमीनो एसिड है और ये हंड्रेड टेंथ अमीनो एसिड है ठीक है ये फर्स्ट अमीनो एसिड है और यहां पे पास 110th हमारे पास हंड्रेड टेंथ अमीनो एसिड है सिमिलरली टर्मिनल, हमारे पास फर्स्ट अमीनो एसिड है और ये हंड्रेड टेंथ है तो अब समझो एक कंसेप्ट एक कंसेप्ट यहां पे समझ लो कि दो एंटीबॉडी जो डिफरेंट प्लाज्मा सेल या डिफरेंट बी सेल से एराइज हुई हैं कभी भी नेवर एवर कभी भी उनके वेरिएबल रीजन सेम नहीं होंगे उनके वेरिएबल रीजन कभी भी सेम नहीं होंगे कभी भी सेम नहीं होंगे दो एंटीबॉडी दो डिफरेंट एंटीबॉडी जो एराइज हुई हैं डिफरेंट प्लाज्मा सेल से अगर ये सेल अगर ये वाली अगर ये सेल अगर ये वाली सेल अगर मैं बोलूँ सेम है जैसे वन अगर ये सेल भी वन है और ये सेल भी वन है तो इससे जो एंटीबॉडी रिलीज होगी वो आइडेंटिकल होगी इसके उसका वेरिएबल रीजन आइडेंटिकल होगा यही मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि दो एंटीबॉडी का कब वेरिएबल रीजन आइडेंटिकल हो सकता है कब हो सकता है जब वो सेम जैसे ये बी सेल एक्टिवेट हुई हुई प्लाज्मा सेल प्लाज्मा सेल भी अगर डिफरेंट है ठीक है इसी से और प्लाज्मा सेल पॉलिफ्रेट कर रही है ठीक है तो पीवन पीवन अगर इनसे जितनी भी एंटीबॉडी बनेगी उनका उन सब का वेरिएबल रीजन सेम होगा उन सब का वेरिएबल रीजन सेम होगा ये क्वेश्चन था मेरा कि कब वेरिएबल रीजन सेम हो सकता है सेम का मतलब यहां पे ग्लाइसिन अमीनो एसिड है तो यहां पे भी ग्लाइसिन है यहां पे भी ग्लाइसिन है, है वेलिन वेलिन ल्यूसिन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन एंड सोन सेम अमीनो एसिड सिक्वेंस कब सेम होगा वेरिएबल रीजन में जब वो दोनों एक ही प्लाज्मा सेल से बने पी वन से अगर वो वन और पी टू से डिराइव्ड है कभी भी, कभी भी उनका वेरिएबल रीजन सेम नहीं होने वाला इसका और इसका इन दोनों का या इन तीनों में से किसी का भी कभी भी वेरिएबल रीजन सेम नहीं होगा इज इट क्लियर इज इट क्लियर यस इन केस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यस ये भी सही आंसर है वेरी गुड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के केस में हम यही कंसेप्ट लेते हैं कि हम क्या करते हैं वहां पे एक स्पेसिफिक एंटीजन लिया दे दिया उसी को बी सेल है बी सेल फिर जो एंटीबॉडी बनाएंगी उसके अगेंस्ट वो उसी सेम एंटीजन के अगेंस्ट होगी और जितनी भी एंटीबॉडी होंगी वो एक ही टाइप की प्लाज्मा सेल से बन रही होंगी एक ही टाइप की एक्टिवेटेड प्लाज्मा सेल से बन रही होंगी यस yes, ये आंसर भी बहुत सही आया गुड गुड शिवम वेरी गुड समझ में आ रही है बात बात समझ में आपको कि वेरिएबल रीजन जो है जो हमारे पास वेरिएबल रीजन है वेरिएबल रीजन दो एंटीबॉडी का कभी भी सेम नहीं होता यह चीज क्लियर है अगर वो डिफरेंट बी सेल से या प्लाज्मा सेल से ड्राइव्ड हुई है तो ठीक है सेम कब होगा जब वो सेम प्लाज्मा सेल से इस प्लाज्मा सेल से जितनी भी एंटीबॉडी बनेगी इससे इस जितनी भी बनेगी जितनी भी एंटीबॉडी बनेगी एक दो तीन चार चार हजार उन सबका वेरिएबल रीजन सेम होगा इज इट क्लियर इज इट क्लियर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछो यहां पे कुछ शब्द आपको हो सकता है नए मिले जैसे कई सारे स्टूडेंट जो स्टार्ट कर रहे हैं मीनों को समझना ठीक है तो उनको कुछ शब्द नए भी मिल सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे से बोलो मैं उनको और थोड़े डिटेल में डिस्कस कर सकता हूं ठीक है तो बी सेल जो एंटीबॉडी रिलीज करती हैं कैस का जब एक्टिवेट और डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं प्लाज्मा सेल में ठीक है प्लाज्मा सेल 14 डेज तक कंटिन्यूअसली एंटीबॉडी रिलीज करती है, है ना ओके okay? ठीक है तो ये चीज़ समझ में आई अब मैं एक चीज़ और बोलने वाला हूँ कि यहाँ पे इस वेरिएबल रीजन में इस वेरिएबल रीजन में इस वेरिएबल रीजन में कुछ रीजन तो ऐसे होते हैं जहां पे वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है बहुत ज़्यादा होती है मतलब हाइपर वेरिएबल होते हैं है ना एक होती है नॉर्मल कंडीशन और एक होती है हाइपर कंडीशन है ना तो कुछ रीजन तो ऐसे होते हैं जहां पे हाइपर वेरिएबल रीजन है जिसको हम हाइपर वेरिएबल रीजन बोलते हैं है ना जिसको हम एच वी आर हाइपर वेरिएबल रीजन बोलते हैं चलो हाइपर वेरिएबल रीजन को हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं है ना नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं उसको सॉरी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं गुड लुक ये देखो ये हमारे पास एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है ठीक है अब अब हम इसके वेरिएबल रीजन को अगर यहां पे शो करें ठीक है ये मान लो लाइट चेन है ठीक है यह हैवी चेन है यहां पे हमारे पास हंड्रेड टेंथ अमीनो एसिड है ठीक है हम बोलते हैं ना हंड्रेड तक क्या है वेरिएबल रीजन प्रेजेंट है ठीक है तो यहां पे कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है जहां पे वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है।, है कहा मैं नंबर ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट करता हूँ आपको ट्वेंटी फाइव से लेके थर्टी फाइव तक 50 से लेके 55 तक 97 से लेके 103 तक इन रीजन में वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा मिलेगी वेरिएबिलिटी ज्यादा का सिंपल सा मतलब है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज्यादा डिसिमिलर इसी रीजन में मिलेंगे ठीक है सेम यहां पे, सेम यहां पे, 25 से 35 फिफ्टी से फिफ्टी फाइव नाइन्टी सेवन से वन जीरो थ्री अगर आप इसको वेरिएबिलिटी चार्ट पर भी ऑब्जर्व करो ठीक है अगर आप इसको वेरिएबिलिटी चार्ट पर ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे के इस रीजन में इस रीजन में वेरिएबिलिटी सबसे ज्यादा है 25 से 35, 50 से 55 यहां पे और इस रीजन में वेरिएबिलिटी लो होगी वेरिएबिलिटी मीज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड यहां पे दो एंटीबॉडी के इन यहां पे ये नंबर ऑफ अमीनो एसिड है ठीक है इन पोजीशन पे सेम भी मिल सकता है ठीक है जबकि इन रीजन में सबसे ज्यादा होगा इसीलिए इनको क्या बोलते हैं एच वी आर हाइपर वेरिएबल रीजन इसको बोलते हैं एच वी आर वन इसको एच वी आर टू इसको एचवीआर थ्री एचवीआर मीन क्या है हाइपर वेरिएबल रीजन हाइपर वेरिएबल रीजन ये चीज क्लियर है ठीक है हाइपर वेरिएबल रीजन अब हम देखेंगे कि हम इसको एच वी आर कहते क्यों वाई वी कॉल्ड एच वी आर ठीक है या इसका एकम अल्टरनेट नेम भी है सी डी आर सी डी आर कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन आप अब मेरे को रिप्लाई करो कि हम इसको सी डी आर क्यों कहते हैं वाई वी कॉल्ड सी डी आर कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन हम इसको CDR क्यों बोलते हैं ये तो मैंने चलो बता दिया HVR क्योंकि यहां पे हाइपर वेरिएबिलिटी है वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है है ना वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं HVR है ना बट हम इसी रीजन को कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन CDR भी बोलते हैं ओके okay? हम इसी रीजन को CDR भी बोल रहे हैं क्यों ओके रिप्लाई करो आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई कि हम इस एच वी आर रीजन को सी डी आर भी बोल रहे हैं ओके okay? और ये हम अभी डिस्कस कहा क्या कर रहे हैं हम इसी वेरिएबल रीजन को डिस्कस कर रहे हैं ठीक है हम अभी वेरिएबल रीजन को डिस्कस कर रहे हैं आफ्टर दैट अब हम इसके कॉन्स्टेंट वाले पार्ट पे आने वाले हैं ठीक है इस पॉइंट को डिस्कस करने के बाद अब हम कॉन्स्टेंट वाले पार्ट पे आने वाले हैं जल्दी से बताओ सी डी आर क्यों कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन क्या आप सबने एंटीजन सुना हुआ है क्या सबने एंटीजन सुना हुआ है शब्द एंटीजन सुना है ना बताओ एंटीजन क्या होता है चलो डी को रिप्लाई करने से बताओ पहले एंटीजन क्या है वॉट इज एंटीजन चलो बहुत छोटी छोटी चीजें पूछता हूं क्योंकि ज्यादा बड़ा हो गया है ना चलो बताओ पहले एंटीजन क्या है एंटीजन क्या है एक्सप्लेन एंटीजन क्या है बताओ स्टूडेंट्स व्हाट इज एंटीजन एक टर्म और यूज है इम्यूनोजन इम्यूनोजेन हालांकि ये कंटेंट में नेक्स्ट आगे आने वाली स्लाइड में डिस्कस करूंगा बट मुझे लग रहा था कि यहां पे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें हो गई है ना है ना आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे तो अब ये रिप्लाई तो आप ऑब्वियसली बात है करोगे कि एंटीजन क्या होता है जल्दी से बताओ यस yes. नाली गुड यू आर राइट हा सी डी आर बिकॉज ये रीजन कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके स्पेसिफिक बिकॉज दिस रीजन बाइंड विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंटीबॉडी हम बोल सकते हैं ना एंटीबॉडी नहीं ये तो एंटीबॉडी खुद ही एंटीजन से है ना कॉम्प्लीमेंट्री जैसे डीएनए में आप बेस पेयरिंग देखते हो ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे जो वीक इंट्रेक्शन है ना तो ये वो रीजन है जैसे हम बात करें एंटीजन की चलो मैं पहले एंटीजन समझाता हूं कि ये अगर एक बैक्टीरिया है है ठीक है? कोई भी पैथोजन ले सकते हैं बैक्टीरिया वायरस कोई भी सब्सटेंस एंटीजन की सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो एंटीजन की सबसे बेसिक सी चीज वो है कि कोई भी सब्सटेंस ठीक है जिसके अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स आए वो हम क्या बोलते हैं एक्चुअली उसको इम्यूनोजेन बोलते हैं और एंटीजन वो पार्ट जिसके आगे जिससे बी सेल रिसेप्टर या टी सेल रिसेप्टर बाइंडिंग शो करें ठीक है एंटीजन और एक्चुअली ये जो एंटीजन है अगर हम इसको बैक्टीरिया बोल रहे हैं ठीक है मान लो हम इस बैक्टीरिया को क्या बोल रहे हैं एंटीजन बोल रहे हैं तो इस पूरे पूरे बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनती ऐसा नहीं कि पूरे इत, इतना बड़ा बैक्टीरिया है और छोटी सी एंटीबॉडी बहुत एन साइज की एंटीबॉडी वो पूरे पूरे बैक्टीरिया को टारगेट करे बैक्टीरिया का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एक्चुअली एपीटोप क्या बोलते हैं हम बैक्टीरिया का एक स्पेसिफिक पार्ट जिस पार्ट से एंटीबॉडी बाइंड करती है पूरे पूरे बैक्टीरिया को एंटीबॉडी नहीं बाइंड कर सकती पूरे पूरे बैक्टीरिया से एंटीबॉडी नहीं बाइंड करती है क्योंकि इतनी बड़ी एंटीबॉडी एंटी का इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता वो इस पर्टिकुलर एंटीजन के एक स्पेसिफिक पार्ट से बाइंड करती है जिसका नाम है एपिटोप ओके ओके और वो एंटीबॉडी का वो पार्ट एक्चुअली कौन है ये एच रीजन ही रीजन है वो यही सीडीआर रीजन है ठीक है यही वो सीडीआर रीजन है एंटीबॉडी का ये वही रीजन है एंटीबॉडी का ये वही रीजन है जिसको हम एच या सी बोल रहे हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग शो करता है एंटीजन के एक पर्टिकुलर पार्ट part से दैट इज एपीटोप बहुत ही कंसेप्चुअल चीजें मैं आपको बता रहा हूं एन एंटीजन इज एनी सबस्टेंस दैट कॉजेज आवर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट इट ओके गुड यश गुड ओके okay, अभी मैं यही डिफरेंस क्लियर करने वाला हूं आपका ठीक है ठीक है यही डिफरेंस मैं भी क्लियर करने वाला पे पे डिफरेंस है एंटीजन और इम्यूनोजन में भी डिफरेंस है अभी मैं यही डिफरेंस क्लियर करने वाला हूं अभी आप समझो एपिटोप क्या है ये समझ में आया ठीक है वो पर्टिकुलर एंटीजन का एंटीजन का वो पर्टिकुलर पार्ट एंटीजन का वो पर्टिकुलर पार्ट part, एंटीजन का वो पर्टिकुलर पार्ट part जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बाइंड कर रही है क्लियर और कौन सा पार्ट है एंटीबॉडी का जिस आ, जो इस एपिटोप से बाइंड करता है वो सीडीआर वाला रीजन है और उसको एक टर्म और दिया गया पेराटोप ये एपिटोप है और पैराटोप है पैराटोप एपिटोप पैराटोप दो शब्द एकदम क्लियर करो पहले तो कि एपिटोप कहां पे मिलेगा आपको और पैराटोप कहां पे मिलेगा एपीटोप आपको एंटीजन के ऊपर मिलेगा पैराटोप आपको एंटीबॉडी पे मिलेगा एपीटोप क्या है द पार्ट ऑफ एंटीजन द पार्ट ऑफ एंटीजन द पार्ट ऑफ एंटीजन रिकॉग्नाइज बाई एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज बाई एंटीबॉडी ओके एंटीजन का वो पार्ट जिसको एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज कर रही है ठीक है वो क्या है एपीटोप है पैराटोप क्या है द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी पूरी की पूरी एंटीबॉडी नहीं पूरी की पूरी एंटीबॉडी नहीं एंटीबॉडी का वो पार्ट जो इस एपिटोप को रिकॉग्नाइज करने वाला है जो इस एपिटोप को आइडेंटिफाई करने वाला है ये दो शब्द क्लियर हुए एपिटोप एंड पैराटोप क्या ये दो शब्द क्लियर हुए आपके एपिटोप एंड पैराटोप ठीक है तो पैराटोप एक्चुअली क्या है पैराटोप एक्चुअली ऑल द सी डी आर ऑल द सी डी आर ऑल द सी डी आर ऑन एन एंटीबॉडी एक एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर पे जितने भी सी डी आर प्रेजेंट है, है? पैराटोप क्योंकि वो वो पार्ट है जो एपिटोप को रिकॉग्नाइज करेंगे इज इट क्लियर इज इट क्लियर ठीक है अब देखो एंटीजन समझो एंटीजन एक्चुअली क्या होता है सबस्टेंस दैट इज रिकोगनाइज बाई ये रिकॉग्नाइज करके हम इस, ये ऐसे बोले वो सबस्टेंस जिससे बी सेल रिसेप्टर बी सेल रिसेप्टर बी सेल रिसेप्टर क्या है बाउंड आईजीएम होता है ठीक है अभी आ, आपको कंटिन्यू रहना है नेक्स्ट लेक्चर में क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें जो इम्यूनो के बारे में इम्यूनोलॉजी के, के बारे में वो आपको पता चलने वाली है तो आई एव हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है यहां पे बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है ठीक है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को लाइक कीजिए और हमारे सदस्यों को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ठीक है इस चीज को शेयर करो जिससे स्प्रेड जो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो एक बैचलर स्टूडेंट को या जो एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को आनी चाहिए ठीक है और यहाँ पे बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको डिलीवर होगा ओके ठीक है ना तो देखो ये क्या है बी सेल बी सेल और बी सेल का रिसेप्टर क्या है मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम तो इसको बोलते हैं बी सेल रिसेप्टर बी सी आर ठीक है एक सेल है जिसका नाम है टी सेल ठीक है ये दोनों की दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है बी सेल एंड टी सेल मेरे को तो ऐसे ध्यान था कि टीवी, टीवी एक होती है, टीवी से मैं याद करता था था है, है, तो है प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता उस समय हमको चीजें रेटनी होती है चाहे सामने जो हम टीवी देख रहे हैं उस टीवी से याद रखें या किसी को टीवी हो गई है उससे याद रखें बट हमको याद रखना होता था चीजें है ना ठीक है तो बस एक ये मेमोरी थी जो मेरे माइंड में याद आ गई मुझे तो ये बी सेल है ये टी सेल है ठीक है इसके रिसेप्टर को बी सेल के रिसेप्टर हम बी सेल रिसेप्टर बोल रहे हैं टी सेल के रिसेप्टर को टी सेल रिसेप्टर बोलते हैं टी सेल रिसेप्टर तो नाउ अब समझो, अब समझो इस चीज को कि एंटीजन होता क्या है ठीक है ठीक है कि एंटीजन सिंपली वो होते हैं जिनसे बी सेल रिसेप्टर या टी सेल रिसेप्टर बाइंडिंग शो करें सिर्फ बाइंडिंग शो करें ठीक है जैसे ये एक मॉलिक्यूल है ठीक है जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल है ठीक है और इससे ठीक है और ये एक एंटीजन है ठीक है एंटीजन है इसने बस बी सेल ये क्या है हमारे पास बी सेल रिसेप्टर है बी सेल रिसेप्टर ने सिर्फ बाइंडिंग की है बी सेल रिसेप्टर इसके क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है तो जो कॉम्प्लीमेंट्री डिटर्मा सीडीआर रीजन है वो क्या करेगा इसके पर्टिकुलर पार्ट part, जिसको हम एपिटोप बोल रहे हैं उससे बाइंडिंग शो so करेगा और बस यही एंटीजन है कोई भी सबस्टेंस जो बी सेल रिसेप्टर या इस टी सेल रिसेप्टर से और ये देखो ये कैसा है एंटीजन कैसा ये soluble है ये सोल्यूबिल है सोल्यूबिल सोल्यूबिल का मतलब अब समझ लो कि जो घुला हुआ है जो किसी चीज से बाउंड नहीं है ठीक है जैसे एक अभी प्रोटीन पढ़ोगे जिसका नाम है एमएचसी एमएचसी क्या करती है एमएचसी ये एम uh, क्या है मान लो ये मॉलिक्यूल है जो जिसको हम बोल रहे हैं एम एच नहीं है एम मत समझना मास्टर इन साइंस नहीं है एम है मेजर हिस्टो कम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एम एच एक्चुअली एंटीजन प्रेजेंटिंग पेप्टाइड ये क्या है एम क्या है ये एंटीजन को प्रेजेंट करने वाली पेप्टाइड है ये क्या है एंटीजन प्रेजेंटिंग एंटीजन प्रेजेंटिंग पेप्टाइड ये खुद भी एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, है तो आप एक चीज देख रहे हो कि एंटीजन दो तरीके से दिखाया मैंने एक इस तरीके से घूमता हुआ ब्लड में टहलता हुआ मॉर्निंग वॉक करता हुआ ठीक है और एक जो किसी को जिस, एक एंटीजन है जिसको किसी ने पकड़ के रखा हुआ है ठीक है अब जो टी सेल रिसेप्टर होता है ना वो इस तरीके के मेम्ब्रेन बाउंड एंटीजन से बाइंड करता है वो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीजन से बाइंड करेगा ये जो टी सेल रिसेप्टर है ना ये इस तरीके से एमएचसी होगा एमएचसी पे ये इस तरीके से एंटीजन होगा बाउंड और इससे ये टी सेल इस एंटीजन से बाइंड करेगी ये भी एक एंटीजन है ये भी एक एंटीजन है आर यह बात समझ में ये भी एक एंटीजन है और जो कि ब्लड में आराम से तैर रहा था किसी से जुड़ा हुआ नहीं था तो इसको बोलते हैं बोलता है, soluble antigen. Soluble antigen B cell receptor से इंटरेक्ट करते हैं ठीक है तो कोई भी मॉलिक्यूल जो बी सेल रिसेप्टर से बाइंड हो या टी सेल रिसेप्टर से बाइंड हो हम उसको क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे एंटीजन सिंपल बस और इम्यूनोजन क्या होते हैं अगर ये एंटीजन इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट करे इम्यून रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स का मतलब इस बी सेल को एक्टिवेट करे और फिर ये बी सेल पोलिफ्रेट करे डिफ्रेंसिएट हो किसमें प्लाज्मा सेल में और मेमोरी सेल में प्लाज्मा सेल फिर क्या करें एंटीबॉडी रिलीज करें एंटीबॉडी रिलीज करें अब ये क्या आ रहा है इम्यून रेस्पॉन्स आ रहा है कि ये पर्टिकुलर पैथोजन मॉलिक्यूल था जिसकी मदद से हमारे पास एंटीबॉडी रेस्पॉन्स आया सबस्टेंस अब यह सबस्टेंस एंटीजन न होकर या एंटीजन के साथ साथ अब हम इसको क्या बोलेंगे इम्यूनोजेन जो इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप करवाए एंटीजन सिर्फ बाइंडिंग शो करेगा ठीक है आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं ठीक है ठीके? कोई भी क्वेश्चन है आप सेंड करो यस yes, इम्यून इम्यूनोजेन यस शिवम शिवम यू आर राइट right, इम्यूनोजेन वो होते हैं इम्यूनोजन वो होते हैं जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके इम्यून रेस्पॉन्स लेके आए जैसे एंटीबॉडी बन के आ गई अब वो इम्यूनोजन है ठीक है।, है तो एक स्टेटमेंट में बताता हूं कि ऑल द एंटीजन ओके या हम ऐसे बोले ऑल द इम्यूनोजेन आर एंटीजन स्टेटमेंट है ऑल द इम्यूनोजन आर एंटीजन ऑल द इम्यूनोजेन आर एंटीजन ये कंसेप्ट खुद मेरे बहुत देर में चीजें क्लियर हुई थी मेरे को भी ठीक है मैंने भी स्टूडेंट से चीजें सीखी हुई हैं बहुत सारे मेरे राइट right स्टूडेंट हैं जिन्होंने जिनके साथ मैंने चीजें सीखी ठीक है सो ऑल द इम्यूनोजेन आर एंटीजन बट 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 ऑल एंटीजन आर एंटीजन आर नॉट इम्यूनोजन ये स्टेटमेंट आप स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा देखोगे और तब आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि हाँ यस देर इज डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड इम्यूनोजन ठीक है एक और टर्म है ये अलर्जन सुपर एंटीजन बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो हम थ्रू आउट सेशन सीखेंगे ठीक है क्या ये समझ में स्टेटमेंट आया इसका मतलब क्या है क्या इस स्टेटमेंट का समझ में मतलब आ रहा है आपको कि जितने भी इम्यूनोजन होते हैं वो एंटीजन तो होंगे ही क्यों एंटीजन होंगे क्योंकि जब तक वो बाइंडिंग ही नहीं शो करेंगे जब तक वो बाइंडिंग ही नहीं शो करेंगे कैसे रेस्पॉन्स आएगा ठीक है मान लो कोई भी मोलिक्यूल था ये एंटीजन है इसने बाइंडिंग शो की और बाद में इम्यून रिस्पॉन्स ही नहीं आया इसके पास इतनी इम्यून, इतनी इम्यूनिजेंसिटी नहीं थी इतना पोटेंशियल नहीं था कि ये इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप करा पाए क्योंकि एक एंटीजन ही सिर्फ नहीं जरूरी होता है बी सेल के पास बी सेल रिसेप्टर के क्लस्टर होते हैं क्लस्टर में बहुत सारे बी सेल रिसेप्टर होते हैं जिनसे एंटीजन बाइंड करता है फिर इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है ठीक है ठीक है ना तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया कि जो इम्यूनोजन है जितने भी जितने भी सब्सटेंस जो इम्यून रेस्पॉन्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा रहे हैं वो कही न कहीं ना कहीं एंटीजन तो है ही क्योंकि वो बाइंडिंग शो करके आए हुए हैं क्लियर है वो बाइंडिंग शो करके आए हैं सो दे आर ऑल द इम्यूनोजेंस आर एंटीजन बट ऑल एंटीजन आर नॉट इम्यूनोजन जरूरी नहीं है कि ये वाला बाइंडिंग शो बाइंडिंग कराने के बाद एंटीबॉडी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाए ही करवाए इज इट क्लियर आ रहा है मजा कोई भी क्वेश्चन हो आप पोस्ट करो गुड ठीक है आपको मुझे पता है कि चीज़ें बहुत सारे अच्छे से समझ में आ रही हैं ठीक है थीके? आप अगर चीज़ें समझ पा रहे हो तो आप यस बोलो कि हाँ यस क्लियर है यहाँ तक ठीक है यस बोलो और उसके आगे हम मूव करते हैं गुड शिवम गुड ठीक है बहुत अच्छी बात है ठीक है आगे मूव करते हैं ठीक है अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा हम चीज़ों को कंक्लूड करते हैं उसके बाद मैं कुछ नई चीज़ आपके सामने प्रेजेंट करूँगा ठीक है अभी तक हमने जस्ट बहुत बेसिक टर्म में एंटीबॉडी सॉरी एंटीबॉडी इम्यूनोजन को समझा हमने सेप समझा वही से ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करा रहे होते हैं ये बीटा शीट होती है ये टू आइडेंटिकल लाइट चेन टू आइडेंटिकल हैवी चेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है ओके फिर हमने देखा कि टूवर्ड एंड टर्मिनल वेरिएबल रीजन है वेरिएबल रीजन बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है कुछ स्पेसिफिक जगह पे, जिनको हम एच बोलते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन ठीक है और हमने ये भी देखा कि दो एंटीबॉडी के वेरिएबल रीजन सेम नहीं हो सकते अगर वो अलग अलग प्लाज्मा सेल से ड्राइव्ड है और सेम कब होंगे जब वो एक ही प्लाज्मा सेल से ड्राइव्ड है ठीक है देन देन हमने देखा कि हाइपर वेरिएबल रीजन एक कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरिया हैं जहां पे वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और ये वो एरिया है जो एंटीजन के एपिटोप uh, या एंटीजन के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इसीलिए हम कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन बोलते हैं सीडीआर मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग

इसमें टूवर्ड एंड टर्मिनल हमको क्या मिल रहा है टूवर्ड एंड टर्मिनल हमको क्या मिल रहा है constant region. C टर्मिनल यहां पे क्या है? Sorry. टर्मिनल क्या है? Variable region है? टर्मिनल? Variable region है। है। ये हमारे पास वेरिएबल रीजन है ठीक है और यहां पे हमको कॉन्स्टेंट रीजन मिलता है अब मेरा स्टेटमेंट है आपको बताना है कि क्या कॉन्स्टेंट रीजन में वेरिएबिलिटी नहीं होती इज दे आर एनी वेरिएबिलिटी इन कॉन्स्टेंट रीजन यस और नो जल्दी से रिप्लाई करो यस या नो में इज दे आर एनी वेरिएबिलिटी इन कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन क्या ये जो मैंने पार्ट वाइट किया है क्या यहाँ पे अमीनो एसिड के सिक्वेंस अलग अलग मिल सकते हैं या हमेशा सेम होंगे जल्दी से बताओ ऑलवेज सेम होंगे या डिफरेंट भी हो सकते हैं यह क्या है ये यह क्या है कांस्टेंट रीजन कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन व्हाट इज दिस कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन यह क्या है कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन क्लियर है यस वेरी लो यस सोनाली यू आर राइट कॉन्स्टेंट रीजन में वेरिएबिलिटी लो होती है यस दिस इज क्लियर दिस इज राइट कि यहाँ पे वेरिएबिलिटी लो होती है यहाँ पे ऐसा नहीं है वेरिएबिलिटी होती नहीं है वेरिएबिलिटी इज लो लो का मतलब क्या है लो का मतलब है यहाँ पे स्टिल वेरिएबिलिटी प्रेजेंट है ओके okay, यहाँ पे लो का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्टिल वेरिएबिलिटी प्रेजेंट है तो हम अगर ब्रॉड एस्पेक्ट में बात करें तो हमको फाइव ब्रॉड एस्पेक्ट में बात करें तो हमको फाइव डिफरेंट सिक्वेंस मिलते हैं

तो हम इनको बोलते हैं आईजीजी एक जो सीक्वेंस मिला हमने बोला उसको आईजीजी हमने क्या बोला इसको आईजीजी क्या बोल रहे है हैं हम उसको आईजीजी आईजीजी क्लियर है चीज इसका जो जीन होता है वो गामा से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है देन आईजीएम एक और डिफरेंट सीक्वेंस मैंने बताया ना पांच डिफरेंट सीक्वेंस है यस तो आईजीएम देन आईजीए आई जी डी आई जी ई ठीक है देखो मैं हमेशा जो भी चीजें पढ़ाता हूं तो मैंने भी चीजें सीखी तो मेरे को भी लगता है कभी कभी चीजें याद नहीं होती तो मेरे को याद है मेरे को पता है कि कहां कहां चीजें हम अटकते हैं तो देखो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है जी मेड जी आई जी जी एम ए डीई है ना ऐसे याद रख सकते हैं इसीलिए मैंने ऑर्डर में लिखा हुआ है, कि आई जी जी एम ए ए। है ना जीन जो पर्टिकुलर जीन इसको आईजीजी को बनाता है गामा एम म्यू आईजी म्यू अल्फा डेल्टा एप्सिलॉन उसके रेस्पेक्टेड टर्म लिखती है यहां पे ठीक है तो जो दीज आर व्हाट दीज़ आर क्लास ऑफ क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी एंटीबॉडी को हम एंटी ए बीज लिख सकते हैं या इसी को इम्यूनोग्लोबिन आईजी भी लिख सकते हैं ठीक है तो हमने पांच क्लास देखी है एंटीबॉडी की सही है ठीक है ओके तो ये हमने किसके बेसिस पे देखा कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन हमने किसके बेसिस पे देखा कांस्टेंट रीजन कहां पे डिफरेंस मिला आपको कांस्टेंट रीजन में डिफरेंस मिला है यस yes? अगर यहां तक चीजें समझ में आ आ रही हैं तो यस yes. बोलो जल्दी से ठीक है क्लियर है मैं आगे मूव कर रहा हूं नेक्स्ट पार्ट पे ठीक है तो हमने क्या देखा कि पांच डिफरेंट क्लासेस है एंटीबॉडी की ऑन द बेसिस ऑफ जल्दी से रिप्लाई करो ऑन द बेसिस ऑफ आपको बस यह बताना है देयर आर फाइव डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे हम ये जो पांच डिफरेंट क्लासेस बोल रहे हैं किसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कहां पे डिफरेंस आ रहा है लाइट चेन में हैवी चेन में जल्दी से बताओ किस में डिफरेंस आ रहा है लाइट चेन में यह कौन सी चेन है यह हैवी चेन है या लाइट चेन है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन लाइट चेन और हैवी चेन गुड वेरी गुड अंकित वेरी गुड यसी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टेंट रीजन गुड पूजा कॉन्स्टेंट रीजन किसका हैवी चेन का लाइट चेन का पूरा रिप्लाई करो जल्दी से अब क्या आएगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन अरे ये देखो लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन याद रखना ये चीज डिफरेंस इन डिफरेंस इन कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन ये सही है सही है ना गुड वेरी गुड हब वेरी गुड ओके यहाँ पे दो और होती है सब क्लास एक होती है कप्पा टाइप आपने सुना है ना ये चीज कप्पा एंड लेमडा ह्यूमंस में कौन सी ज्यादा होती है कप्पा ज्यादा हो, होती है नाइनटी फाइव परसेंट कप्पा होती है ठीक है कप्पा ह्यूमंस के, के केस में ज्यादा होती है कप्पा और जो लेमडा है ये किस बेसिस पे अब ये बताओ क्वेश्चन है कि ये जो कप्पा और लेमडा है ये किस बेसिस पे आती है हम मैंने बोला कि देर आर टू मोर सब क्लास ऑफ एंटीबॉडी ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन डिफरेंस इन कांस्टेंट रीजन ऑफ रिप्लाई करो जल्दी से विथ चेन हैवी चेन या लाइट चेन देखो वेरिएबल रीजन में तो हो ही नहीं सकता है ना जल्दी जल्दी कमेंट करो कि वेरिएबल रीजन में तो हो ही नहीं सकता है ना तो कहां पे आएगा यस yes, आ गया गुड सोनाली वेरी गुड रिप्लाई करो सभी लोग yes. Light chain of variable region. देखो वेरिएबल रीजन तो हमेशा डिफरेंट होगा ना वेरिएबल रीजन तो कभी सेम हो ही नहीं सकता ना लाइट चेन ऑफ कांस्टेंट रीजन ना क्योंकि constant region, constant region में हम बोलते हैं कि वेरिएबिलिटी बहुत लो होती है यस गुड ट आपने रिप्लाई किया ये बहुत अच्छी बात है देखो गुड तो यहाँ पे हमेशा याद रखो वेरिएबल रीजन तो हमेशा डिफरेंट ही होते हैं कोई भी दो डिफरेंट प्लाज्मा सेल है अगर उनसे एंटीबॉडी बन रही है तो उनके तो वेरिएबल रीजन सेम होंगे ही नहीं मगर कॉन्स्टेंट रीजन ये जो लाइट चेन का कॉन्स्टेंट रीजन है ना इसमें डिफरेंस के बेसिस पे कपाइंड लेमडा टाइप होते हैं इनमें डिफरेंस के बेसिस पे क्या होते हैं कपाइंड लेमडा टाइप आई होप आप लोगों को सेशन मजा आ रहा होगा है ना गुड चेतन यस आपको चीजें समझनी है ठीक है कॉन्टीन्यूसली आपको चीजें इसी तरह वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को ठीक है और इसी तरीके का कंटेंट क्वालिटी कंटेंट आपको कंटिन्यूसली प्रोवाइड होता रहेगा गुड ठीक है तो ये कप्पा एंड लेमडा टाइप दो टाइप की और एंटीबॉडी हमने देखी कप्पा एंड लेमडा हमेशा याद रखना ह्यूमंस के केस में कप्पा ज्यादा होते हैं ह्यूमंस में कप्पा ज्यादा होती है होती दोनों है कप्पा लैंड अब दोनों होती हैं कप्पा ज्यादा होती है जब हम एंटीबॉडी डाइवर्सिटी एक बहुत ही मजेदार जो टॉपिक है उसमें जब जाएंगे तब हम देखेंगे कप्पा क्यों ज्यादा मिल रही है ठीक है या बी सेल मैच्यसन जब हम पढ़ेंगे ना बहुत सारी चीजें इस क्लास के एंड में कंक्लूड जब मैं करूंगा तो मैं कंटेंट जो हम पढ़ते हैं ना इंडेक्स कोई भी सब्जेक्ट होता है इसका इंडेक्स होता है तो उस इंडेक्स को मैं क्लास के एंड में डिस्कस करूंगा ठीक है है ना कि हमने एक इंटरेक्टिव सेशन पढ़ लिया फिर हम देखेंगे हमको पूरा इम्यूनो में पढ़ना क्या है हालांकि ये पहले बताने वाली चीज़ होती है बट उस समय अगर मैं बताता तो बहुत सारे लोग ये समझते कि अरे ये तो हम तो डायरेक्टली इंडेक्स पढ़ने लगे नहीं पहले हमको कुछ मजेदार मसाला चाहिए ना है ना जब तक इंटरेक्ट नहीं होंगे सही से तब तक छोटी वाली चीजें मजा नहीं देती है ना जैसे कई सारे बच्चों के कमेंट पे आए थे ना कि कुछ स्टैंडर्ड या बेसिक मजेदार चीज लेके आओ है ना तो आई होप कि आपने बहुत क्वालिटी कंटेंट चीज़ें पढ़ी यहाँ पे है ना अभी कंटिन्यू रखते हैं इसको गुड तो ह्यूमस में हमने देखा कि कप्पा ज्यादा होते हैं ना और माउस के केस में लेमडा हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे है ना गुड चेतन कंटिन्यू ओके तो ये हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन लाइट चेन कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन इज इट क्लियर ओके अब देखो एक मजेदार चीज बताने जा रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है ठीक है इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में अक्सर पूछता है कि इसका मॉलिकुलर वेट क्या होगा एवरेज एवरेज मॉलिकुलर वेट हमेशा याद रखो ये जो लाइट चेन है इसका साइज क्या है ट्वेंटी फाइव किलो डाल्टन ठीक है लाइट चेन का कितना है ट्वेंटी फाइव किलो डाल्टन दो लाइट चेन है तो टोटल कितना हो गया लाइट चेन का फिफ्टी है ना और ये हैवी चेन का वेट कितना है फिफ्टी किलो डाल्टन कितना है फिफ्टी मैं कोशिश करूंगा एकदम साफ साफ राइटिंग रहे जिससे आपको बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत ना हो ठीक है चेन का क्या है 50 किलो डाल्टन ठीक है तो 50 दो है 50 50 कितना हो जाएगा 150 किलो डाल्टन है ना मजा आ गया होगा कि सर ने सारा बता दिया कि एक एंटीबॉडी है उसका एवरेज जो वेट क्या है 150 किलो डाल्टन है ठीक है मगर अब मेरा क्वेश्चन है कि एक एक मेरा क्वेश्चन है एक जो एंटीबॉडी है कौन सी एंटीबॉडी आईजीएम आईजीएम और वो भी कौन सी वाली सोल्यूविल 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 वाली आईजीएम उसमें उस या उसका मोलिकुलर वेट क्या होगा एवरेज मोलिकुलर वेट बताओ उसका एवरेज मोलिकुलर वेट क्या होगा अब आएगा मजा है ना ये वो क्वेश्चन है जब अगर तो आपने इम्यूनो नहीं पढ़ा है तो आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे है ना बेसिक बेसिक अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तब तो आप नहीं कर पाओगे हाँ मेरा मोटो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता इसलिए पूछ रहा हूं मेरा मोटो ये है कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ है ना कि अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप ऑब्वियस सी बात है रिप्लाई कर पाओगे मैं हिंट देता हूं कि आईजीएम कैसी होती है पेंटामेरिक होती है ये जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है ये मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है ये मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है और आईजीएम जो है वो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है अब बताओ जल्दी से आंसर जल्दी से आंसर बता दो ये कैसा स्ट्रक्चर है मोनोमेरिक ये जो आईजीएम होती है ये पेंटामेरिक होती है इसमें इसी तरह की इस तरह से पांच एंटीबॉडी होती है इस तरीके से यहां पे पांच एंटीबॉडी होती है सूरजमुखी के फूल के जैसा लगता है इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका यहां से ये डाइफाइड बॉन्ड डोमेन से जुड़ी हुई होती है इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिलता है पेंटामेरिक सोल्यूविल का और हमेशा याद रखना है सेवन फिफ्टी किलो लर गुड फिफ्टी है ना मल्टीप्लाई वाई क्या कर देंगे हम इसको फाइव ना वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइस वेरी गुड ओके डाई वेलेंट किसमें होगा ओके okay. अब देखो हम मैंने बताया कि ये कितनी सब यूनिट से मिलके बना है पांच इसमें से आईजीए जो है ये दो सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है इस तरीके से किससे बना कैसे बनाया इस तरीके से आप जल्दी से बताओ इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा एवरेज बताना है हालांकि यहां पे कई सारे और फैक्टर होते हैं ठीक है अभी जब मैं आई जी ए को लूंगा बहुत ही मजेदार तरीके से आप उसको वहां पे समझोगे चीजें देखो यहां पे डाई जो डाईवेलेंट टर्म जाकर आपने एक टर्म यूज किया है डाइवेलेंट ओके okay. मैं यहां पे एक चीज और क्लियर कर देता हूं ये मोनोमेरिक है मोनोमेरिक है और ये डाइ वैलेंट है ये मोनोमेरिक है और डाइवेलेंट है गुड सोनाली 300 हंड्रेड वेरी गुड थ्री हंड्रेड वेरी गुड ठीक है एवरेज यही आएगा अभी इसमें और भी कुछ फैक्टर है जब हम आई जी ये डिस्कस करेंगे ना तो इसमें जे चेन और सिक्रिटरी कंपोनेंट ये एक सिक्रेटरी कंपोनेंट होता है

यहाँ पे कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट है एक और, दो. ये है, है और इसमें दो है अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है डाइवेलेंट का मतलब तो मैसेज कर सकते हो अदरवाइज गुड यस बोलो क्लियर है सारी चीजें क्लियर हो रही है ना सारी चीजें वेरी गुड ठीक है तो आईजीए में इस तरीके से डाई यहां पे कैसा होगा कितनी वैलेंसी फोर टेट्रा वैलेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा फोर वैलेंसी है, है ना तो वैलेंसी को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चीज क्लियर है 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 ठीक ठीक अब देखो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला क्लास लगभग लगभग ओवर हो रही है अब मजेदार फाइनल कि कितने डिफरेंट कितने डिफरेंट अमीनो एसिड हो सकते हैं मतलब इसके इस पोजीशन पे एक दो तीन चार इन चार पोजीशन पे कितने डिफरेंट अमीनो एसिड हो सकते हैं ऑप्शन एक ऑप्शन बी दो या ऑप्शन सी चार जल्दी से बता दो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जल्दी से बता दो कितने इसके इन एंड पे इस पोजीशन वन पे है ना एंड टर्मिनल वन पोजीशन टू थ्री फोर चार एंड है तो कितने डिफरेंट अमीनो एसिड होंगे जैसे पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो पे मान लो ग्लाइसिन है 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 वेलिन ल्यूसिन तो कितने हो सकते हैं जो मैंने लिखा है उस पर नहीं जाना है अपना दिमाग लगाना है अभी तक का जो सेशन पड़ा उसके अकॉर्डिंग जल्दी से बताओ कितने डिफरेंट अमीनो एसिड हो सकते हैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है ओके आंसर हाँ, आने लगे एक अरे दो क्यों मिटा दिया भाई टू टू फोर ओके सोनाली वन अभी भी जल्दी जल्दी पहुंचो जल्दी से पहुंचो एक फाइनल आंसर करो जल्दी से बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये बी बी मतलब अच्छा ओके okay, टू ठीक है वोटिंग करें क्या इस पे ठीक है कितने लोगों का जल्दी से बताओ कितने लोगों का वन आ रहा है टू अंकित यादव टू 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 वन फोर टू टू फोर ठीक है देखो इसका आंसर क्या आएगा एक्चुअली इसका आंसर टू ही है यस yes. ठीक है आप लोगों ने किया बहुत अच्छी बात है देखो टू कैसे है मैंने एक शब्द यूज किया था ना स्टार्टिंग की पहली क्लास में जो स्टार्टिंग से है ना यहां पे उसको पता होगा मैंने एक टर्म यूज किया था आइडेंटिकल मैंने एक शब्द यूज किया था आइडेंटिकल मार्क भी किया था आइडेंटिकल का मतलब ही यही हो गया कि ये जो है अमीनो एसिड अगर यहां पे ग्लाइसिन है अगर यहां पे ग्लाइसिन है तो सी बात है यहां पे भी ये ग्लाइसिन ही होगा हंड्रेड परसेंट ये ग्लाइसिन ही होगा रही है बात समझ में है ना ठीक है तो मैक्सिमम डिफरेंट मैंने बोला कितने हो सकते हैं तो नो no डाउट अगर ये ग्लाइसिन है तो ये वाला भी ग्लाइसिन ही होगा और अगर ये वेलिन है अगर ये वैलिन है अगर ये वैलिन है तो ये भी वैलीन होगा बिकॉज देर आर टू आइडेंटिकल लाइट चेन एंड टू आइडेंटिकल हैवी चेन थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच यस अंकित वेरी गुड गुड आपको समझ में आया आई होप कि आपने बहुत एंजॉय किया इस क्लास को है ना ओके okay, अब मैं एक आपको ओवरव्यू देता हूं कि इम्यूनोलॉजी में है क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए और बहुत ही इंटरक्ट इंटरेक्टिव चीजें हैं ठीक है बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे अगर आप एक बार इम्यूनो समझ समझ गए ना आपको दिखेगा आपके ब्लड सिस्टम में दिखेगा आपके इम्यून सिस्टम में चीजें फील होगी कि हां वाओ ऐसे सेल इंटरेक्ट कर रही हैं इतनी इतनी सेल्स हैं वेसोफिल न्यूट्रोफिल इोसिनोफिल मैक्रोफाज डिफरेंट काइंड ऑफ डब्ल्यू यो वेलकम सोनाली ओके सो व्हाट वी हैव टू लर्न इम्यूनो में सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन ठीक है सबसे पहले हम पढ़ेंगे और आज जिसकी शुरुआत की हमने ठीक है ठीक है आज हमने मैं एक ऑर्डर में लेके चलूंगा पूरे टॉपिक को ठीक है और आप जब पूरे ऑर्डर में समझते जाओगे ना चीजों को रियली really मजा आएगा आपको देखो मैं पूरा वही अब इंडेक्स डिस्कस करने वाला हूं कि हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द सेशन ओके okay. पहला इम्यूनोग ठीक है इम्यूनोग्लोबलिन में भी आज हमने बस स्ट्रक्चर देखा है लॉट मोर टू लर्न अभी आप देखो कि ग्लाइकोसाइलेशन अभी इसमें आप देखोगे ग्लाइकोसाइलेशन देन डाइसल्फाइड बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड इसमें कितनी डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है प्रोटिवलिटिक क्लीवेज प्रोटिवलिटिक क्लीवेज क्लास ऑफ एंटीबॉडी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ओके बहुत सारी चीजें इसमें भी देन हम सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम यहां पे बहुत सारी सेल्स हैं न्यूट्रोफ़िल बेसोफ़िल इोसिनोफ़िल मास्ट सेल टी सेल 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 बी ओके डेंड्राइटिक मैक्रोफाज बहुत सारी डिफरेंट टाइप की सेल हैं जितने भी इम्यून सिस्टम की सेल हैं सब हम पढ़ डालेंगे सारी की सारी और सबके रोल सबके रोल ठीक है थर्ड देन हम एंटीजन देखेंगे और एंटीजन का प्रेजेंटेशन कैसे जैसे हम बताया था ना कि टी सेल को भाई घूमता हुआ एंटीजन नहीं चाहिए उसको एक एक एंटीजन चाहिए, जो एक से प्रेजेंट हो रहा होगा वो चाहिए ना उसको तो हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे एंटीजन प्रेजेंटेशन एंटीजन थर्ड टॉपिक में एंटीजन प्रेजेंटेशन यहीं पे आप एक चीज पढ़ोगे एमएचसी

रेगुलेटरी लॉट मोर डिफरेंट टाइप की तो वो डिफरेंसिएशन में हम देखेंगे एक्टिवेशन में वो कैसे इनएक्टिव से कैसे एक्टिव हो रही हैं हैं मैच्योर वेट वेट करती और करती और हैं एक्टिवेट होने का एक्टिवेट कब होंगी जब एंटीजन प्रेजेंट होगा उनसे तो वो एक्टिवेट हो जाएंगी एक्टिवेट होने के बाद प्रोलिफ्रेशन के साथ साथ डिफ्रेंसिएट करेंगे तो ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है देन बी बी सेल सेल इसी तरह कैसे मैच्योर एक्टिवेट एंड होती हैं देन बहुत सारे सब टॉपिक भी हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करते हैं जैसे जैसे वैक्सीन सुन के ही सब बहुत मन में बहुत सारे ख्याल आ गए होंगे वैक्सीन ओ माई गॉड सबको जरूरत है इस टाइम बच के रहना रे बाबा वैक्सीन हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी एलर्जी चलो इसको हम एक साथ ही हाइपर में आ जाएगा ऑटो इम्यूनिटी ऑटो इम्यूनिटी डिसीज फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंटीबॉडी डायवर्सिटी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटीबॉडी डायवर्सिटी फिर बहुत सारे केस आते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहां पे मिलती है ग्राफ्ट रिजेक्शन केस ग्राफ्ट केस ग्राफ्ट क्या होते हैं ट्रांसप्लांट हम एक इधर से उधर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं सर इफ टी सेल्स आर नॉट रिक्वायर अ सोल्यूबल एंटीजन देन हाउ एन एंटीजन इज अ मॉलिक्यूल विच इज बाउंड टू बी सेल रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर ओके सोनाली मैंने जैसा कि बताया आपको कि ऐसा नहीं है कि ये जो टी सेल रिसेप्टर है ये एंटीजन से बाइंड नहीं करेगा देखो दो टाइप के एंटीजन में हमने बताया कि एक ये एंटीजन है ये ब्लड में घूम रहा है ठीक है एक ये एंटीजन है जो एक पर्टिकुलर पेप्टाइड के थ्रू एक पर्टिकुलर सेल इसको प्रेजेंट कर रही है और ये जैसे इसका नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इस सेल का ही नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में मेन तीन आती हैं डेंड्राइटिक सेल मैक्रोफाइज और बी सेल भी आती है उसमें ठीक है तो ये क्या करती हैं ये इस तरीके से ये मॉलिक्यूल है एम

अगर ये चीज क्लियर है तो यस बोलो जल्दी से अगर नहीं क्लियर है मैं दूसरे तरीके से चीज को समझाऊंगा एंटीजन मैंने बताया दो टाइप का है, एक से है, जिसको कौन कर रहा है? बारे में तो ठीक है ये एक है पेप्टाइड है जिसका नाम है मेजर स्टोकम्पेटिविलिटी कॉम्प्लेक्स और ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग पेप्टाइड है जो एक एंटीजन को प्रेजेंट कर रही है किसके लिए प्रेजेंटेड एंटीजन किसको प्रेजेंट कर रही है ये?

कि यही टी सेल है यही टी सेल है यहां पे एक एंटीजन छोड़ा ठीक है यहां पे एंटीजन छोड़ा और यहां पे एक स्पेशल टाइप की सेल डाल दी यहां पे एक सेल डाल दी ओके यहां पे हमने सेल डाली और फिर ये एंटीजन फिर ये टी सेल इस एंटीजन से बाइंड होने के बाद ये टी सेल एक्टिवेट हो गई ये टी सेल एक्टिवेट हो गई इधर ये टी सेल एक्टिवेट नहीं हुई और यहां पे ये टी सेल एक्टिवेट हो गई क्यों क्योंकि यहां पे एक स्पेशल सेल है जिस है जिसका नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इस एंटीजन को पकड़ के ब्रेक करके और एमएचसी से प्रेजेंट करेगी जब वो एंटीजन प्रेजेंट होगा तब उस प्रेजेंटेड एंटीजन को टी सेल रिकॉग्नाइज करेगी तब वो एक्टिवेट होगी प्रोलिफरेट होगी डिफ्रेंशिएट होगी तब वो क्या होगी एक्टिवेट हो जाएगी इस कंडीशन में एक्टिवेट नहीं हो रही है इस एक्सपेरिमेंट से यही सामने आया कि जो टी सेल है वो

सीखने को ठीक है थ्रू आउट द सेशन हम सीखेंगे ठीक है और बने रहिए मेरे साथ वन मोर थिंग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक like कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक ठीक है और जुड़े रहिए बायोलॉजी अकेडमी के साथ मेरा नाम परम है ठीक है और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में ओके आई होप यू एन्जॉयड ओके गुड